हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने जो मेट्रो आपको जाती हुई नज़र आ रही है वो है अक्षरधाम टेंपल से मयूर विहार की तरफ जाने वाली मेट्रो। ये जो रोड है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, और यहाँ से जैसे ही हम लेफ्ट जाते हैं इस पॉइंट पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। आज एक महीने के बाद हम यहाँ पर आए हैं और आपको अपडेट देंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। लेफ्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं अक्षरधाम टेंपल है। ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है अक्षरधाम टेंपल। 2005 में इस जगह पे बनाया गया था। यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा जो काम पहले चल रहा था वो हो चुका है। सहारनपुर और देहरादून जो बोर्ड था वो पहले भी था, लेकिन यहाँ लेफ्ट में काम चल रहा था, लेकिन अब सारा का सारा काम इस तरफ हो चुका है। पूरा का पूरा इस तरफ एक्सप्रेस वे आपको रनिंग दिखेगा, बिल्कुल भी कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का नामो निशान नहीं है इधर। लेकिन थोड़ा और आगे जाएंगे हम, जहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है अक्षरधाम का, वहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ तो आप देखें तो पूरी तरीके से जो वॉकिंग का ट्रैक है उस पर भी टाइल्स लगा दी गई है। तो अब यूँ लगता है जब आप दिल्ली की तरफ से इस एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो पूरी तरीके से तैयार है। पहले आपको शुरुआत में ही लग जाता था अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे आने पर लेफ्ट में यहाँ पर थोड़ा बहुत काम अभी रुका हुआ है। देखें अगर तो यहाँ पे थोड़ा काम होना है क्योंकि वायरिंग वगैरह और बिजली का कुछ काम है। पीछे स्टेशन है अक्षरधाम का, यहाँ पर फूड कोर्ट वगैरह भी है जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था। मेट्रो स्टेशन के साथ से ये जो रोड है इसको वाइडन किया गया, और साथ में अगर आप देखें तो लेफ्ट से जहाँ से ऑटो जा रहा है वहाँ से इसे वाइडन करके एक और रोड बनाई गई है। अभी हम इस रोड पर भी जाएंगे। समय के साथ ये पूरा का पूरा एरिया जो है रीडेवलप हुआ है। रोड जो यहाँ पर बन रही है 6 लेन की एक तरफ की बन रही है, 12 लेन का पूरा बन रहा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी तो यहाँ पर है ही। तो यहाँ से ये जो रोड है अभी यहाँ पर काफ़ी सारे व्हीकल गए भी हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। अभी कन्फ्यूजन है कि रोड चालू है या नहीं है, लेकिन हम यहां से जाएंगे क्योंकि काफी सारे व्हीकल्स गए हैं यहां से। लास्ट टाइम जब हम यहां पर आए थे तो ये जो फ्लाईओवर था यहां पर ब्लॉक्ड था। आज एक तरफ का जो ये ब्लॉकेज है वो खोल दिया गया है, तो काफी गाड़ियां यहां से जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं, तो हो सकता है ये रास्ता यहां से ओपन हो लेफ्ट और राइट में। और पूरी तरीके से देखें तो ये बना हुआ है, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रहती है। यहाँ पर काफ़ी जगहों पे ऐसे एडिशनल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेसवे है 12 लेन का रहने वाला है दिल्ली के अंदर, तो 6 लेन एक तरफ रहने वाली है और 6 लेन दूसरी तरफ। पहले ये जगह बहुत ज़्यादा नैरो थी, तो जो एग्जिस्टिंग जो रोड थी उस पर भी काम किया गया, और साथ में एडिशनल जो लेन्स हैं उन्हें भी बनाया गया है। लेफ्ट में यहाँ पर यमुना बैंक का मेट्रो स्टेशन भी है। यमुना बैंक जैसे आप समझ पाएं तो यमुना पार का एरिया हुआ करता था ये पूरा का पूरा, जैसे आप देख रहे हैं गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर ITO यमुना पार हुआ करता था और काफ़ी इनएक्सेसिबल एरिया था। लेकिन समय के साथ आप आज अगर इस जगह को देखें तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन चुका है, और जैसा दिल्ली के दूसरी तरफ है वैसे ही आपको यहाँ भी नज़र आएगा, और कनेक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। यहाँ से हम रमेश नगर का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सामने अगर आप देखें बोर्ड जो है देहरादून और सहारनपुर का, पिछली बार भी जब हम आए थे तो इस तरफ का एरिया पूरा का पूरा तैयार था, यहाँ पर साउंड बैरियर भी लगे हुए थे, और अभी भी आप देखें तो प्रॉपरली ये पूरा का पूरा एरिया इस तरफ का बना हुआ है। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से अभी तक लगभग हमको अगर आप मान के चले तो 90% जो एरिया है पूरा बना हुआ दिखा था। हल्का सा बीच में थोड़ा सा जगह था जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन उसका जो रोड है उससे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पर तो स्मूथली कर सकते हैं। साउंड बैरियर्स यहाँ पर तो लगे हुए हैं, साथ में हाई बीम के लिए जो ब्लॉकर्स होते हैं वो भी राइट में आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ इस तरफ लेफ्ट की तरफ आपको काफ़ी ओपन और ग्रीन एरिया दिखने वाला है क्योंकि यमुना बैंक है, यमुना नदी के साथ का एरिया है। और ड्राइविंग भी अगर आप यहाँ पे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। 120 किलोमीटर की पूरी स्पीड होगी, 210 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे है। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे अगर आप चाहें तो आप पहुँच सकते हैं। इस तर्ज पर ये जो एक्सप्रेस वे है बन रहा है।
दिल्ली के अंदर इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 14 से 14.5 किलोमीटर दिल्ली के अंदर है। उसके बाद दिल्ली यूपी लोनी जो बॉर्डर है वहाँ से ये आगे ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पे कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो सर्विस लेन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई है। जो एलिवेटेड ट्रैक है काफ़ी जगह पे ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जब ये हो जाएंगे तो और ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है स्मूथ हो जाएगी। तो सर्विस लेन है, एलिवेटेड ट्रैक्स हैं और आगे तो एक डेडिकेटेड 6.5 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक आने वाला है जो आगे आपको नज़र भी आएगा। ऊपर आप देखें तो सारी के सारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। 100 कार की जो स्पीड है वो रहने वाली है, बसेस की 80 रहने वाली है। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो गीता कॉलोनी का अंडरपास है, यहाँ से ये एलिवेटेड एक ट्रैक बनाया गया है जो कि 6.5 किलोमीटर का है। सामने देखें आप तो ब्लैक टॉप और मार्किंग जो है वो भी हो चुकी है, साउंड बैरियर्स लग चुके हैं। ये 6.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है ये यहाँ से खजूरी खास तक जाएगा। काफ़ी रास्ते में कंजेस्टेड एरियाज था तो एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है। ऊपर साउंड बैरियर आपको हर तरफ नज़र आएंगे, इनफैक्ट जो बोर्ड्स हैं वो भी लग चुके हैं। तो ऊपर का काम भी अब हो चुका है, पहले यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा था जब हम लास्ट टाइम आए थे, लेकिन अब अगर इस तरफ देखें आप तो ऑलमोस्ट सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया गया है। नीचे जो कंस्ट्रक्शन की वजह से सर्विस रोड पर गंदगी थी वो भी क्लीन कर दी गई है, और ऊपर जहाँ पर भी मशीनें थी अब हार्डली यहाँ पे आपको कोई मशीन नज़र आ रही है। तो मतलब ये है कि कंप्लीट है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली साइड तो 95% जो कंप्लीट है। जो पैकेज वन है जो कि यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल तक जाता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। हम जा रहे हैं उस रास्ते तक जहाँ तक हम जाएंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखें जहाँ पे ये सर्कल से मुड़ रहा है, यहाँ पर जब हम लास्ट टाइम आए थे काफ़ी काम हो रहा था। ऊपर जो स्लैब भी था वो भी कंप्लीट नहीं था, लेकिन अब अगर आप देखें तो स्लैब्स भी कंप्लीट है और जो साउंड बैरियर है वो भी लग चुका है। तो ऑलमोस्ट अगर कहीं से भी आप इस जगह को देखें तो ऊपर का ट्रैक पूरी तरीके से तैयार है और कभी भी नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ में ये स्टार्ट हो जाएगा। इस तर्ज पर ये बन रहा है। यहाँ से आगे आने पर थोड़ा सा दूर आपको एक ओल्ड स्ट्रक्चर देखने वाला है, ऐतिहासिक पुल है। यहाँ पर लोहे का पुल कहा जाता है। ऊपर अगर आप देखें तो ये लोहे का पुल बनाया गया था 1863 में, बनाया गया था लगभग 150 साल पहले ओल्ड दिल्ली को सादरा साइड जोड़ने के लिए। अभी ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप ट्रैक से दूर चले जाते हैं, मगर आप सामने फिर से आप देखें तो ये नीचे से मेट्रो का ट्रैक है और ऊपर से आपको अगेन जो एलिवेटेड ट्रैक दिख रहा है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरिया है वो है ये शास्त्री नगर सीलमपुर का एरिया है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो ये जो रास्ता था ब्लॉक्ड था, तो हमें आगे से ग्रैंड ट्रंक रोड से आना पड़ा था, लेकिन अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेमोलिशन हुई है लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में सीलमपुर है, राइट में शास्त्री नगर है। और अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सर्विस रोड पर भी आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये जो रास्ता है यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट हुआ है, और जितना लेफ्ट का ये एरिया है इसको डेमोलिश करके जहाँ तक हो सकता था रोड निकाली गई है, और नीचे भी पूरा रास्ता बना हुआ है। सामने जो आपको फ्लाईओवर नज़र आने लग गया है वो शास्त्री नगर का फ्लाईओवर है जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर आता है, और यहाँ पर ये जो ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा किया गया है ताकि उस फ्लाईओवर के ऊपर से जो एक्सप्रेसवे है वो जा सके। ऐसे जो डिज़ाइन है काफ़ी जगहों पर आपको नज़र आएगा जहाँ पर मेट्रो का ट्रैक भी है, फ्लाईओवर है, उसके ऊपर से ये जो एक्सप्रेसवे है वो गया है। अभी तक हम लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस अक्षरधाम से कवर कर चुके हैं, और स्ट्रक्चर हर तरफ आपको पूरी तरीके से मौजूद मिल रहा है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये रैंप है जो कि कनेक्ट कर जाएगा एक्सप्रेसवे से अगर आप ग्रैंड ट्रंक रोड से आ रहे हैं, और यहाँ पर साउंड बैरियर तक लग चुके हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर काफ़ी काम जो था वो बचा हुआ था। नीचे जो रोड थी यहाँ पर काफ़ी गंदगी थी, डस्ट थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन है। ऊपर की तरफ भी आप देखें जो स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी अगर आप ज़्यादा जूम करके भी देखेंगे तब भी आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी अब बची नहीं हुई है। पूरा ऊपर जो काम है वो हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो साइन बोर्ड है स्पीड के वो भी लग चुके हैं। यहाँ लेफ्ट में जैसे यमुना पार्क का एरिया है तो आप देख सकते हैं यमुना फ्लड प्लेन्स लेफ्ट की तरफ पूरा बना हुआ है। पुस्ता रोड कहा जाता है ये जो रोड है, पुस्ता रोड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये यमुना के बैंक्स के साथ की रोड्स हैं, तो पुस्ता रोड है।
लेफ्ट में जो आपको पाइपलाइन दिख रही है वो सोनिया विहार से आने वाली पाइपलाइन है, और आगे हम जाएंगे तो सोनिया विहार भी पहुंचेंगे हम इसी रोड से। यहाँ पर एक्सप्रेसवे के साथ से जो आपको रैंप जाता हुआ नजर आ रहा है, वो जो रैंप है वो खजूरी खास का जो फ्लाईओवर है सामने आएगा, वहां से वजीराबाद रोड के लिए बनाया गया है। पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, साफ नज़र आ रहा था, नीचे गंदगी थी और साफ साफ दिख भी रहा था, लेकिन अब अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है ऊपर से भी, और आगे खजूरी खास का फ्लाईओवर है, वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन भी बन रहा है पिंक लाइन का। ये जो सारी की सारी जगह है पूरा रीडेवलप हो चुकी है पिछले एक महीने के अंदर ही, तो ऊपर भी आप देखें यहाँ भी साउंड बैरियर्स लग चुके हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो पिंक लाइन का खजूरी खास का जो स्टेशन है वो है, जो कि यहाँ पे अभी आएगी, अभी एक्सटेंशन चल रहा है पिंक लाइन का जो कि अभी मजलिस पार्क तक जाती है। और एक और चीज़ को आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो जो एक्सप्रेसवे है उसकी जो हाइट है यहाँ पर रैंप रोड के साथ में जो एक्सप्रेसवे है उसकी जो हाइट है बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे खजूरी खास का जो फ्लाईओवर है वो भी है, उसके साथ में जो मेट्रो है वो भी है यहाँ पर, तो इन दोनों के ऊपर से ये जो ट्रैक है इसको जाना है। यहाँ पर खजूरी खास के पास में इन स्लैब्स में भी काफ़ी ज़्यादा गैप्स थे जब हम लास्ट टाइम वन मंथ पहले आए थे, लेकिन अब अगर आप देख रहे हैं तो काम पूरा हो चुका है और बहुत ही तेज़ी के साथ इस तरफ काम हुआ है। यहाँ पर काफ़ी काम रहता था, जो रोड्स थी नीचे भी सर्विस रोड भी उस पर भी काम हो रहा था, गंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी उस वक्त क्योंकि खुदाई चल रही थी और काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन अब अगर आप देखें तो हाईवे बैरियर्स और ये रेलिंग भी लग चुकी है। लेफ्ट की तरफ भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सर्विस रोड थी इतनी वाइड नहीं थी, उस वक्त वाइडनिंग का काम चल रहा था, तो सर्विस रोड जो है इसको भी वाइड कर दिया गया है और लेफ्ट की तरफ जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से कंप्लीट कर दिया गया। उस वक्त ये सारा का सारा एरिया ब्लॉक्ड था और यहाँ पर खुदाई और मिट्टी थी। यहाँ से हम ऑलमोस्ट दिल्ली का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। 13 किलोमीटर अभी तक हमने ड्राइव कर लिया है। ऊपर अगर आप देखें तो साइन बोर्ड अभी भी आपको नज़र आ जाएंगे, और ये जो एलिवेटेड ट्रैक था जो कि गीता कॉलोनी से स्टार्ट हुआ था 6.5 किलोमीटर का, वो यहाँ पर आके एंड होता है इस जगह पे, और यहाँ से आगे जो करावल नगर है जो कि ईस्ट दिल्ली का लास्ट पॉइंट आता है, वहाँ पर ये दिल्ली का जो पार्ट है 14 किलोमीटर का वो एंड हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे का। वहाँ से पैकेज वन चलता रहेगा। सामने अगर आप देखें तो नीचे जब ये रोड आ रही है तो आपको दिख जाएगा सामने पूरा ये ट्रैक जो है बना हुआ है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो काम होगा वो रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें पैरेलली तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर जो काम है वो ऑलमोस्ट हो रखा है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस लगाए गए हैं, बाइकर्स अभी भी यहाँ पर जा पा रहे हैं, कार्स को अलाउड नहीं किया है, तो आने वाले समय में बहुत ही जल्द ये जो जगह है सारी की सारी ओपन कर दी जाएगी, क्योंकि 90% जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी में भी देखें, यहाँ पर अभी तक हमने जो ड्राइविंग की है दिल्ली की साइड का पूरा एरिया जो है वो आप आराम से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। जो एलिवेटेड ट्रैक है वो कंप्लीट है, जैसे आप देख रहे हैं कंप्लीट सारा है, और ओपन कभी भी हो सकता है, तो हमारे लिए तो ये 100% ही है, बस ओपन होने की देर है। तो आप दिल्ली से देहरादून हार्डली 2 से 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, और यहाँ से ये जो जैसे ये रास्ता है पैकेज वन जो है अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और एंड होता है ईपी खैरका पर, ईस्टर्न फेडरल जो एक्सप्रेसवे है वहाँ से दूसरा पैकेज जो है वो सहारनपुर तक जाता है, और तीसरा सहारनपुर से लेकर जो देहरादून है वहाँ तक जाएगा। यहाँ लेफ्ट में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वो है सोनिया विहार, और इस तरफ अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन इन जगहों पर काफ़ी बढ़ने जा रही है, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे है साथ में जा रहा है, राइट में करावल नगर अंकुर विहार जो है वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, और प्रॉपर्टी के रेट्स जो है इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे की वजह से। यहाँ से आगे ये रोड अभी सर्विस रोड भी ब्लॉक है, तो हम अंडर द एलिवेटेड ट्रैक जाने वाले हैं, और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ राइट में जो एरिया वो अंकुर विहार है, कंस्ट्रक्शन यहाँ काफ़ी तेज़ी से हो रही है आप देख सकते हैं, और रेट्स भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुके हैं इस एक्सप्रेसवे की वजह से। यहाँ पर आगे से वापस हम सर्विस रोड पर आ जाएंगे, और जो आगे टोल है वहाँ पर हम अभी तो टोल नहीं है उसका स्ट्रक्चर है, वहाँ पर हम अपनी जो ये जर्नी है इसे एंड करने वाले हैं। यहाँ से लेफ्ट जाके वापस जो बागपत की तरफ रास्ता जा रहा है उसकी सर्विस लाइन पर आ जाएंगे।
इधर से जैसे हम आगे जाते हैं तो आप ऊपर अगर देखें तो टोल गेट जो है वो आपको 1 किलोमीटर पर दिखेगा और हम वहीं पर अपना जो जर्नी है उसे एंड करने वाले हैं। तो ऊपर आप देखें तो साइन बोर्ड्स पूरी तरीके से तैयार आपको मिलेंगे और सर्विस रोड यहाँ पर भी आप देखें तो पूरी मौजूद है। लगभग 15 से 16 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ से आगे धीरे धीरे आपको जो टोल का स्ट्रक्चर है वो सामने नज़र आने वाला है। यहाँ से ये रोड हल्की सी राइट होके सीधी जाती है और ये जो एरिया है लॉनी बॉर्डर के आसपास का एरिया है जो कि दिल्ली के आगे का एरिया है और यहाँ आगे टोल जो है सामने आपको नज़र आ जाएगा और एक्सप्रेसवे भी इस तरफ भी आप देखें तो बना ही हुआ है। ये जो टोल है ये दिल्ली की तरफ से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये टोल आपको यहाँ पर देना होगा और जो देहरादून की तरफ से अगर आप आते हैं या बागपत की तरफ से आ रहे हैं तो उसके लिए सामने आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सप्रेसवे जो है वो ऑपरेशनल है, हम एक्सप्रेसवे के ऊपर ही हैं और आप देख सकते हैं रोड्स कैसे हैं यहाँ पर और किस तरीके की बनावट है। राइट में जो टोल है वो है जो कि देहरादून की साइड से आते वक्त आपको मिलेगा जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इससे आगे की भी वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। ईस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे है, वहाँ तक हम जाएंगे और उसकी वीडियो भी दिखाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।